ये कॉमेडी फिल्म है, आउट एंड आउट एंटरटेनर है, जहाँ पर अनेक किरदार है इस फिल्म में। ये चार बेन बुलाए बाराती जो है, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज और मैं, बेन बुलाए गांव में पहुंच जाते हैं और किस तरह से उस गांव में जो सारी समस्याएं हैं, सारी जो घटनाएं होती है वहाँ पर, उसको हम लोग सुधारते हैं और गाँव वालों से हम लोग का प्यार हो जाता है, एक लगाव सा हो जाता है, एक बॉन्ड सा बन जाता है। तो एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पर सब है, रोमांस है, ड्रामा है, यू नो एक्शन है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमेडी है। बट बेसिकली इस फिल्म का जो पूरा USP है, आई थिंक इट्स जस्ट एक मनोरंजन फिल्म है। किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म में? एक नटखट, एक लवेबल क्रुक हु इज ऑल्सो ऑन द रन। वो पुलिस से भी भाग रहा है, डाकुओं से भी भाग रहा है, सबसे भाग रहा है। एंड हिज लव इंटरेस्ट इज निशा कोठारी हु इज रनिंग विथ हिम, और सब साथ में भागते हुए एक गाँव पहुँचते हैं। And it's the comedy of errors, what happens in the village उसके बाद। जब जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाया गया था डायरेक्टर से और राइटर से, तो उन्होंने सजेस्ट की थी कि क्यों ना हम एक ऐसा लुक पेश करें जो लोगों ने शायद आपको आज तक जिसमें देखा नहीं हो। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मूछें लगाई और कानों में बाली लगाई और मैं ऐसे बाल जो है अनकैप्ट रखा हुआ था। तो एक एक्सपेरिमेंट सा हो गया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। एक लुक टेस्ट हम लोगों ने की थी और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि हम लोगों ने कैरेक्टर के हिसाब से जो हम लोगों को सही लगा, जो फिट हो रहा था, जो करेक्ट लग रहा था, वो था जो हम लोगों ने इवेंचुअली किया मेरे लुक के साथ। भाग क्यों रहे हैं? नहीं, अलग अलग कारणों की वजह से ये लोग भाग रहे हैं और एक ही जगह पर पहुँचते साथ में, उस गाँव में, माधवगढ़। दे आर ऑल क्रुक्स, सब लोग भाग रहे हैं। चेस का सीक्वेंस है वो काफ़ी छोटा है, लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जब वो पहुंचते हैं, गांव जब पहुंचते हैं, देन द होल न्यू सिचुएशन, होल न्यू स्टोरी अराइजेस, और उनकी जो जर्नी है वो एक अलग ही जर्नी बन जाती है। हाउ इज द एक्सपीरियंस विद धनराज? इट्स बीन फैंटास्टिक। धनराज इज अ वेरी जेनरस पर्सन। ही इज वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन जो फिल्म के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। आपके साथ इस फिल्म में कॉमेडी स्टार्स की छवि लगी हुई है। इतने सारे कलाकारों के साथ एक ही फिल्म में कॉमेडी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई फील प्राउड, आई फील प्रिविलेज्ड, क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, इतने उमदे एक्टर्स हैं जिनकी बॉडी ऑफ वर्क अगर आप देखो तो 100 से भी 150, 200 से भी ज़्यादा फिल्में उनके रेज्यूमे पर है, और उनके साथ फिल्म और वो भी कॉमेडी फिल्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? माहौल ओनली फन, सिर्फ हंसी मजाक। ऐसा मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने एक सीरियस कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज किया। सब लोग हंसी मजाक में काम पूरा हो गया। गाने की बात करें तो दो दो आइटम नंबर है, एक श्वेता तिवारी जी का, एक मनी राजा जी का, तो आ भी गया शालू की तुमके की दुनिया दीवानी का, सच में पूरी दुनिया दीवानी हो गई इस गाने की। वेल, ये हमारी खुशकिस्मती है जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने तीन तीन आइटम नंबर रखे, हालांकि दो नहीं है, तीन है वैसे। और जितने पॉपुलर हो जाए हमारे फिल्म के लिए बेनिफिशियल है, हम सब के लिए बेनिफिशियल है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को ये गाने पसंद आ रहे हैं और अगले दो तीन दिन में एक और गाना शुरू हो जाएगा जो श्वेता तिवारी का गाना है, शायद हम लोग सब है उसमें। और लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इट्स फिल्म इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट। गुलशन ग्रोवर जी की बात करें तो ऑन लोकेशन में हमने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत दिनों बाद मैं बैडमैन के लुक में नजर आऊंगा। क्या क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सच में बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। देखो, ये उनके बारे में जितना बोला जाए कम है, क्योंकि वो एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर है और इतने सारे फिल्मों करने के बाद भी उनका जो एंथुजियाज्म है, इट्स लाइक अ न्यू कमर। और आई वाज क्वाइट शॉक्ड, मैं काफ़ी शॉक्ड था और प्लेजेंटली शॉक टू सी के इतने सारे फिल्मों के बाद, इतने अरसे के बाद भी ये जो कलाकार है, वाई इज ही सो पॉपुलर, वाई इज ही सो बैंकेबल, वाई इज ही सो ट्रस्टवर्दी, बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। 3-4 घंटा रोज मेकअप करने पर किसी भी आदमी की पेशेंस निकल जाती है, वो थकता आदमी, लेकिन ये आदमी कभी थकता नहीं था। और इतना ह्यूमिलिटी, इतना ऑनेस्टी, इतना सिंसियरिटी। मैंने उनसे कहा भी कि गुलशन जी, मैं आपकी मतलब सल्यूट करता हूँ आपको कि आप इतना पेशेंस रखते हैं रिहर्सल के तौर पर या टेक कुछ भी हो, हमेशा यू नो जूनियर एक्टर्स की हेल्प करते हैं आप, सपोर्ट स्टाफ की हेल्प करते हैं आप,
और हर चीज में वो बेटर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं केवल आप चलो ठीक टेक दे दिया तो मतलब डायरेक्टेड ओके कर दिया तो मतलब ठीक है, वो एक 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 सिंसियरिटी होती है एक एक एक्टर की पर्सनालिटी में, वो है गुलशन जी में। दैट वाज आई एम रियली इन ऑ ऑफ हिम, ही इज जस्ट अमेजिंग। निशा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शी इज ग्रेट, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, शी इज अ ग्रेट एक्टर। आई थिंक शी जस्ट फिटेड इन लाइक अ ग्लव यू नो फॉर अस। शी वाज अ ग्रेट हेल्प बिकॉज she is a pretty face amongst all of us, you know, and we needed that around us at all times. And she's very dedicated, she's very careful about what she eats, how she performs. Aisa lagta hai ki wo disinterested hai set pe kabhi kabhar, lekin but she's so focused once the camera gets switched on to her. I used to always ask her ki aap itni focus kaise rehti hai, matlab mujhe to pehle kafi sara prepare karna padta hai, set pe aata hu ye wo to binda set pe aati hai aur dialogue bol ke chali jati hai. This is great, some people are born naturally talented. Some of us have to work. Thank you. Thank you.